जेएमएम के हरमुसी पार्टी कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, बाबा मांडी की संकल्प यात्रा जनसभा के संबोधन में बाबा मांडी और राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, वहाँ पर आदिवासियों के साथ घिनौना अत्याचार हुआ है, उस समय आप कहाँ थे। आदिवासियों के हित की बात करने वाला भेदभाव भाजपा करती है, वो आज के दिन भाजपा की सच्चाई है। चुनावी लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। ईडी की बात करने वाले भाजपा, आज भाजपा की सरकार में ईडी का कोई औचित्य नहीं है, तो ईडी में कौन विश्वास करेगा। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। जोहार साथियों, शारदीय नवरात्र के बाद आज पहली मुलाकात है। कल कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी बीता, सामने प्रकाश का पर्व भी आने वाला है। लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग जो जिनको हम कह सकते हैं कि सावन के अंधे हैं, उनको हर वक्त हरा हरा ही नजर आता है। कल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां आए थे, बहुत तामझाम था। शहर तो ऐसे लग रहा था कि कोई मेघदूत आने वाला है, लेकिन जब यहां पर आए और भाषण शुरू किए तो हमको लगता है कि बाबूलाल जी से लेकर नड्डा जी तक को हकीकत मालूम चल गया कि अब नुक्कड़ सभा के अलावा इनके पास और किसी भी तरह का सभा करने का जन आशीर्वाद नहीं है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि बाहर से जब लोगों को लाते हो तो कम से कम जो हाट बाजार का दिन है उस दिन चौकी लगाकर हाट बाजार में सभा करवा दो, तो कम से कम हमारे प्रदेश के एक रहेगा कि कम से कम कुछ लोग तो सुनने गए थे, भले आलू प्याज खरीदने गए हो। लेकिन मानेंगे नहीं, लगता है कि संकल्प के बाद पूरा जनादेश उनके साथ हो गया है। आपको कुछ वीडियोस हम पहले दिखा लेते हैं, फिर नड्डा साहब जी के बारे में कुछ बात करेंगे। ये पहला है जब बाबूलाल जी बोल रहे थे, परिवार का विकास करते, पैसे के लिए राजनीति करते, कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, खचाखच भरी हुई कुर्सियां, ये बड़ा ये विजुअल और दिखा, तो ये तो बाबूलाल जी थे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे तो क्या स्थिति आती, बलात्कार हो रहा है कि नहीं,
अब लाल कुर्सी भी खाली हो गया। नीला पूरा खाली, लाल भी खाली। ये है स्थिति कल के सभा का, जो विशाल आम सभा हुआ जिसमें पूरे राज्य से 1200 आदमी जुटे थे और उसमें नड्डा जी कह रहे थे, एक एक पॉइंट पे आते, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार। नड्डा जी, मणिपुर किस देश का राज्य है, वहां कौन लोग रहते हैं, किनको बीच सड़क पर पुलिस हैवानों के हाथ में छोड़ती है, जो उनको नग्न करके घूमते हैं, उसका फोटो बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी राज है, जहां उज्जैन में निर्वस्त्र करके लड़की को घुमाया जाता है, उसका रेप किया जाता है, आदिवासी पर पेशाब किया जाता है। नड्डा जी बताइए, आपके गृहमंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने जिस सांसद को बलात्कार का आरोपी बनाया, वो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया, शर्म नहीं आता है क्या आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के, महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, कहते आदिवासी राष्ट्रपति बनाया महिला को, दलित राष्ट्रपति थे इसके पहले, आप लोगों ने ही कहा था, तब संसद के नींव रखने में उनको नहीं बुलाया गया, संसद के उद्घाटन सत्र में जिसकी संरक्षक राष्ट्रपति है उस आदिवासी महिला को नहीं बुलाया गया। आदिवासी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, राजनीतिक तौर पे पराजित होने के बाद शर्म हया तो आप लोग को है ही नहीं। कम से कम अपनी गरिमा तो याद रखिए कि आप सांसद भी हैं। हम लोगों को मालूम है आपके बारे में, जो अपना गृह राज्य बहुत छोटा सा राज्य है हिमाचल, वहां चुनाव नहीं जिता सकता, वो चला है झारखंड को सिखाना। बोलते हैं शराब माफिया, सार्वजनिक कीजिए जोगेंद्र तिवारी ने किनका किनका नाम लिया, आप में हिम्मत है तो बताइए श्वेत पत्र जारी करके कि जोगेंद्र तिवारी के ऑफिशियल अकाउंट से
सुनील तिवारी के मार्फत बाबूलाल जी को पैसा गया कि नहीं गया? आप लैंड स्कैम की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम यदि कोई किया तो वो मोदी सरकार ने अडानी के साथ मिलकर किया। पोर्ट, जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का था, उसको अडानी को दे देने का काम किया। एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था, उसको अडानी को दे देने का काम किया। लैंडस्केप की बात करते हैं, कहते कि ईडी से क्यों भागते हो? अरे शर्म करो नड्डा जी, ईडी ने जिसकी संपत्ति जब्त की, आप उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिए। ईडी ने जिसकी संपत्ति जब्त की, वो नारायण राणे को आपने केंद्रीय मंत्री बनाया। बड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं झारखंड में आंख दिखाने, कौन सा आपके पास में सबूत है केवल और केवल झूठ के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है? आपके नेता ने महसूस कर लिया जब झारखंड घूमने का काम किया, हटिया जहां चुनाव जहां सभा हुई वहां आपके विधायक 500 मीटर की दूरी पर, रांची का विधायक आपका, दो किलोमीटर के दूरी पे कांके का विधायक आपका, कहते 6 विधानसभा का मात्र बुलाया था और उसमें सभी स्तर के लोग थे, बूथ बूथ का प्रभारी था। अरे जितना 6 विधानसभा का मिलाकर बूथ है उसका आधा भी लोग नहीं थे, वोटर तो छोड़ दिए। ये है आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। राजनीतिक तौर पर अब सुन रहे कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे 15 तारीख को, पिछले बार चुनाव नहीं था तो राष्ट्रपति जी को भेजे थे, अब ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी प्रचार तंत्र में लेके आ रहे हैं। पहले तो सुने थे कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, जब जब जरूरत पड़े राष्ट्रपति को उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। पिछले बार आदिवासी गौरव दिवस था, इस बार सुन रहे वो गौरव समाप्त हो गया, अब कोई विकसित वाला कोई संकल्प है क्योंकि चुनाव आने वाला है। मतलब अपने सुविधा अनुसार छत्तीसगढ़ लोग जा नहीं पा रहे हैं,
राजस्थान में लोगों ने मना कर दिया। हल तो ये हो गया, जहां उनका एनडीए का शासन है मिजोरम में, वहां के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे सभा में मत आइएगा, मेरे कुर्सी पे मेरे साथ मत बैठिएगा, क्योंकि आप भयावह चीज है, आप आदिवासी विरोधी हैं, आप नॉर्थ ईस्ट विरोधी है, आप आएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। ये हम लोगों ने नहीं कहा, एनडीए के घटक दल ने कहा। अब प्रधानमंत्री जी का भी ये स्थिति हो गया कि लोग मना कर रहे हैं कि कर्नाटका में आप जहां जहां गए हम लोग चुनाव हार गए, हिमाचल में गए तो हम लोग चुनाव हार गए, दिल्ली में अमित शाह जी घूमे तो हम लोग हार गए। अब परहेज करने लगे हैं लोग, कि नड्डा जी मत आइए, आइएगा तो यही स्थिति होगा, नीला कुर्सी खाली लाल कुर्सी खाली। भैया पैसा कौड़ी यदि आपके पास ज्यादा है, ये टेंट वाला को जो पैसा देते हैं उस पैसे से कम भाजपा दफ्तर के सामने लंगर लगवाइए, और मोदी जी ने जिन लोगों का निवाला छीन लिया है कम से कम दो वक्त का उनको खाना तो खिला दीजिए। क्यों इतना बैनर पे खर्चा करते हैं? तो इसलिए जो हकीकत है उससे आपको आज हम लोगों ने अवगत करवाया, और साथ साथ नड्डा जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी यह आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग को आपको निशाना बनाना है आप बना लीजिए, लेकिन ईडी को एक बात जरूर बताइए, गुजरात सरकार के विद्युत विभाग ने अडानी जी को कहा है कि आप 3000 करोड़ रुपए हमसे ज्यादा बिलिंग किए हैं उसको लौटाइए, जो कोयला के खरीद में आप घोटाला किए हैं। नड्डा जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बाकी तो पीएमएलए खूब करते हैं आप लोग, आप बताइए इंडोनेशिया से कोयला चला गुजरात के लिए, 3000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गुजरात सरकार ने, बिलिंग क्यों हुआ दुबई से, बिलिंग क्यों हुआ ताइवान से, बिलिंग क्यों नहीं हुआ इंडोनेशिया से? क्या ये पीएमएलए नहीं है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? सरकारी पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और ईडी का उस पर कोई प्रश्न नहीं है, तो कौन विश्वास करेगा आज के दिन में ईडी को? आज ईडी को भी अपना औचित्य को साबित करने का चुनौती है कि भाजपा के सरकार में ईडी का भी औचित्य अब समाप्त हो चुका है।